सतीश दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। एक महीने उसके दिन की शिफ्ट रहती और एक महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास किसी औरत का फोन आया। हेलो हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं, प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आप अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पहुँच जाऊँगा। दो मिनट बाद सतीश के मोबाइल पर लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसलिए उसे रूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात के टाइम रास्ता ढूंढने के लिए उसे गूगल मैप पर ही निर्भर रहना पड़ता। औरत की भेजी गई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। वो एरिया शहर से कुछ कटा हुआ था। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही मैप पर शो हो रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक चेंज हो गई। अब मैप टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं शो कर रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी सतीश को काफी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेज स्पीड से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने गया कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर सामने रोड पर देखा, पहले जो औरत लड़की के साथ खड़ी थी वो भी गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो उसके एम्बुलेंस के नीचे आया, ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही औरत और लड़की। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वे झाड़ियों में जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने ही हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे ना? हाँ आया तो था एक पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तुम जल्दी से हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहाँ पर? हेलो सतीश, सतीश क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट में वो एम्बुलेंस के लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए, पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। कुछ महीनों के बाद सोनू ने न्यूज़पेपर में उसी रोड पर हुए एक और हादसे के बारे में पढ़ा। हादसे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे वाली जगह के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता लगा, जिसने उसे उस लोकेशन का रहस्य बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो रास्ते में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया।
ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। एक लौती लड़की ही उस औरत की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उनसे बदला लेती है। मुन्ना और गौरव ट्रक चलाते थे। वे महाराष्ट्र से माल उठाकर दिल्ली की ओर सप्लाई करते थे। गर्मियों के दिनों में मुन्ना और गौरव दिन में किसी ढाबे पर रुककर आराम करते और रात में ट्रक चलाते, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी पड़ा करती थी। गौरव उड़ जाओ, शाम होने वाली है। आज हमें लाल कुआं रोड वाले जंगल में जाना है क्योंकि मेन रोड बंद है। मुन्ना और गौरव जब ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे तो ढाबे वाले ने उनसे कहा, भाई साहब जंगल वाले रास्ते में जरा संभाल कर जाना। करीब 3-4 दिन पहले दो ड्राइवर उस रास्ते में गए थे तो वो लापता हो गए। कुछ दिनों बाद सिर्फ उनके धड़ जंगल में मिले। उनके सिरों का आज तक कुछ पता नहीं है। अखबार में खबर छपी थी, आप लोग भी सावधान रहना। ढाबे वाले की बातें सुनकर मुन्ना और गौरव सहम गए। एक दूसरे की हिम्मत बांधने के लिए वे ढाबे वाले की बुराई करने लगे। ये छोटे लाल ऐसे ही फेंकता रहता है, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, मैंने कोई इस तरह की खबर नहीं पढ़ी। रात 11 बजे के करीब मुन्ना और गौरव का ट्रक सुनसान जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। रोड पर बहुत कम वाहन जा रहे थे। गौरव ट्रक चला रहा था और मुन्ना बराबर में बैठा झपकी ले रहा था। एक बार जब मुन्ना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बराबर में कोई सफेद साड़ी पहने बैठा ट्रक चला रहा है। मुन्ना चीख पड़ा। उसकी आंख आंचे से खुली तो उसने देखा कि गौरव भी ट्रक चला रहा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चीख पड़े, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सपना देखा। तभी अचानक किसी ने ट्रक के शीशे पर कुछ फेंक कर मारा। गौरव को ट्रक रोकना पड़ा। उन्होंने काफी दूरी पर सफेद साड़ी पहनी किसी औरत को जंगल में घुसते देखा। तुम्हारी जगह कोई और ट्रक चला रहा था, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें कम से कम बाहर जाकर देखना तो पड़ेगा कि किसी ने क्या फेंक कर मारा है। मुन्ना और गौरव ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक शकल गंजी पड़ी हुई है। शकल गंजी, वो भी इस मौसम में, रात में ऐसी शरारत कौन करेगा? दोनों ड्राइवर कुछ देर इधर उधर देखते रहे। जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो वे अपने ट्रक पर चढ़े और आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक आदमी और औरत शकल गंजी बेचते दिखाई दिए। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने हमारे ट्रक पर शकल गंजी फेंक कर मारी हो। लेकिन हम उस जगह से काफी दूर निकल आए हैं, ये वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? मुन्ना और गौरव शकल गंजी बेचने वाले आदमी और औरत के पास गए। भाई साहब, शकल गंजी इस मौसम में नहीं आती, फिर भी आप शकल गंजी बेच रहे हैं? हम यहाँ हर मौसम में शकल गंजी बेचते हैं। रात भर लोग यहाँ से गुजरते हैं और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। शकल गंजी ठोस होती है, इसे खाकर पेट आसानी से भर जाता है। गौरव जब शकल गंजी बेचने वाले आदमी और औरत से बात कर रहा था तो मुन्ना की नजर आदमी औरत के पैरों पर पड़ गई। उनके पैर उल्टे थे। औरत की कमर में पीछे की तरफ एक लंबा चाकू घुसा हुआ था। गौरव ने दो शकल गंजी खरीद ली, एक खुद खाने लगा और एक मुन्ना को दे दी। तभी उन्होंने पीछे से अपना ट्रक स्टार्ट होने की आवाज सुनी। कोई उनका ट्रक चलाकर आगे ले जा रहा था। गौरव और मुन्ना ने शकल गंजी फेंकी और ट्रक की तरफ भागे। ट्रक कुछ देर तक चलकर रुक गया। गौरव और मुन्ना जब ट्रक के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही शकल गंजी बेचने वाले आदमी और औरत जो अब भूत और भूतनी बन चुके हैं, उनके ट्रक के अंदर बैठे हैं। भूत और भूतनी नीचे उतरे। उनके हाथ में फोन से सने लंबे चाकू थे। भूत और भूतनी गौरव मुन्ना की तरफ बढ़ने लगे। मुन्ना और गौरव दूसरी तरफ भागे, लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्हें भूत और भूतनी आते दिखाई दिए। अब वे बीच में घिर चुके थे। उन्हें लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी दो ट्रक बड़ी तेज़ी से आए।
उन्होंने चुड़ैल और भूतनी को कुचल दिया और मुन्ना गौरव का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। ट्रक काफी दूर जाकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुका। मुन्ना और गौरव ने उनकी जान बचाने वाले आदमियों को शुक्रिया कहा। अगर आप लोग सही समय पर नहीं आते तो वे भूत और भूतनी हमें मार ही डालते। शुक्र मनाओ कि हम लोगों की तुम पर नजर पड़ गई। उस रोड पर शकलगंजी खरीदने कभी मत उतरना। वो दोनों आदमी औरत जिंदा नहीं हैं, वे कई साल पहले मर चुके हैं। बहुत साल पहले ये रोड अच्छा चलता था, लेकिन जब मेन रोड बन गया तो फिर इधर से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। इस रोड पर रामकिशन और पुष्पा नाम के आदमी औरत शकलगंजी बेचा करते थे। एक रात कुछ ट्रक वालों ने पुष्पा के साथ छेड़छाड़ की। रामकिशन ने जब उसका विरोध किया तो ट्रक वालों ने चाकू से रामकिशन और पुष्पा की हत्या कर दी और भाग गए। तब से रामकिशन और पुष्पा की आत्मा ट्रक वालों से बदला लेती है। भूल कर भी उस सड़क पर शकलगंजी लेने ट्रक से मत उतरना। ये बात 1988 की है। धनबाद नामक जगह पर रमन अपनी पत्नी योगिता के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वो पेशे से डॉक्टर था। योगिता, मेरी प्रैक्टिस इन दिनों अच्छी चल रही है। अगर सब सही चला तो मैं अगले साल तक एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लूंगा और हम अपना खुद का घर भी बना लेंगे। और एक दिन रमन बहुत ही परेशान घर लौटता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमन पेपर्स योगिता के हाथ में रख देता है। पढ़ो इसको। ये क्या है? हे भगवान, अभी तो आपकी प्रैक्टिस जमने लगी थी, अब क्या करेंगे हम? कैंसिल नहीं हो सकता है क्या ये ट्रांसफर ऑर्डर? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। वैसे गवर्नमेंट ने ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी दिया है मुझे। उस गांव में कोई भी नहीं टिकता है। मगर ऐसा क्यों? वो तो मुझे पता नहीं। थोड़े दिन वहाँ कमा लेते हैं, फिर अपनी क्लिनिक बना लेंगे। आगे हमें अपनी फैमिली भी तो बढ़ानी है। अच्छा। और वो लोग अपना सामान लेकर विजयगढ़ जा रहे होते हैं कि रास्ते में गुजरते वक्त एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है और गाड़ी का टायर भी दो बार पंचर हो जाता है। सुनो जी, काली बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो तुम, आज के जमाने में भी? और देर रात तक वो लोग विजयनगर पहुंच जाते हैं। एक चौकीदार दौड़कर उनका सामान उतारने के लिए आता है। सलाम साहब। सलाम। सब सामान घर में पहुंचा दो। रमन, आसपास के घर खाली क्यों लग रहे हैं? अरे अभी दिन का टाइम है, सब तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। छोड़ो योगता, ये भी कोई टाइम है सवाल जवाब करने का? अंदर चलो। जी। अगले दिन रमन अपने नए क्लिनिक पहुंच जाता है। वो स्टाफ से बातचीत करता है और सबसे बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ कोई भी डॉक्टर ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता। आज से सब नए रजिस्टर मेंटेन होंगे। यस सर। और हाँ सिस्टर, ये पिछले डॉक्टर यहाँ से 2 महीने में क्यों चले गए थे? सर वो तो मुझे नहीं पता। कोई भी बता नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, खुद पता कर लूंगा। और हाँ, कोई भी अगर गरीब हो तो उसको याद से सरकारी योजना के बारे में बता देना। ठीक है साहब। रमन खुद पूरे क्लिनिक का चक्कर काटता है। वो बंद दरवाजे को देखता है जिस पर बहुत ही बड़ा ताला लगा होता है। बड़ी अजीब सी चुप्पी है यहाँ, कुछ तो अजीब है। रमन देखता है कि शाम की शिफ्ट में पेशेंट्स बहुत ही कम आते हैं और स्टाफ भी हमेशा जल्दी निकलने के चक्कर में रहता है। साहब, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी घरवाली भी काम से देर से आती है, मैं जल्दी जाऊं क्या? नहीं, आगे पेशेंट आ गए तो कोई नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, वो मैं तो ऐसे ही बोला। रमन को अब क्लिनिक ज्वाइन किए काफी दिन हो चुके हैं और एक दिन हॉस्पिटल का राउंड मारते मारते दोबारा उसकी नजर तहखाने के दरवाजे पर जाती है जिस पर काले और लाल धागों से बंधा एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है।
साहब उसे मत छुओ। ये क्या है और इस दरवाजे पर ताला क्यों? साहब ये बंद तहखाना है, इसे मत छुओ। सालों से यहाँ कोई नहीं गया। मतलब छोटा सा क्लिनिक है ना साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ी ना खोलने की। मैं समझा नहीं साहब, छोड़ो हर चीज समझने के लिए नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक इमरजेंसी आती है और एक छोटे से फंक्शन में गलत खाना खाने से बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। अचानक इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर रमन सबको ओवर टाइम करने को बोलता है। रात को कुछ और मरीज जब एडमिट होने के लिए आते हैं तो बिस्तर की कमी पड़ जाती है। साहब और मरीज अब हम नहीं रख सकते, हमारे पास इतने बेड और जगह नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, वो तहखाना है ना, उसका ताला खोलो, जगह है उसमें, रखो सबको। तहखाना? नहीं साहब। नहीं उसको मत खुलवाओ सर। चुपचाप मुझे चाबी दो, मैं खोलता हूँ उसका दरवाजा। रमन जाकर तहखाने का दरवाजा खोल देता है और अचानक एक चमगादड़ उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और सब लोग डर जाते हैं। डरो मत, सालों से बंद था ना, ये जानवर तो होंगे अंदर। सर मत जाओ अंदर, ये जगह सही नहीं है। किसने बोला? ये अंग्रेजों के जमाने का क्लिनिक है साहब, यहाँ पुराने मरीजों की आत्मा कैद है। कहते हैं अंग्रेज डॉक्टरों ने भारतीय मरीजों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा तो इसलिए सब इतना डरते हैं इससे। डरो मत, आगे बढ़ो, वो सब तो मर चुके हैं ना। सर मगर उनकी आत्माएं आज भी यहीं हैं। कैसी बकवास कर रही हो, चुपचाप मेरे पीछे आओ, हमें इसको मरीजों के रखने लायक बनाना है। सब लोग डॉक्टर रमन के पीछे पीछे तहखाने में चल ही रहे होते हैं कि अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अरे टॉर्च नहीं लाए थे क्या साथ में? लाया हूँ, तो जलाओ ना। वार्ड बॉय टॉर्च जला ही रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ आता है और टॉर्च को नीचे गिरा देता है और अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे तहखाने में तेज हवाएं कैसे आई? सर हमने बोला था आपको यहाँ नहीं आने को। तभी अचानक वार्ड बॉय जोर से चिल्लाता है, साहब सामने देखो। सामने कुछ उल्टी लटकी परछाइयां दिखाई देती हैं, जो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। सब कुछ गिरने लगता है, वार्ड बॉय और नर्स वहां से भाग जाते हैं और कोई साया आकर डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, आज तो फिर से आजाद हुआ हूँ मैं। डॉक्टर रमन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और बाहर आकर तहखाने को बंद कर देता है। और जैसे ही वो अपने क्वार्टर के पास पहुँचता है, वार्ड बॉय भी वहीं आ जाता है। बोला था ना मैंने साहब आपको, मत खोलो दरवाजा, अब फंस गए ना। तभी रमन की पत्नी भी भागी भागी घर से बाहर आ जाती है और रमन उसको सब कुछ बताता है। चलो यहाँ से अभी चलो, नहीं रहना हमें ऐसी जगह, ऐसा काम भी किस काम का। अब चाह कर भी नहीं जा पाओगे यहाँ से, आपने वो दरवाजा खोल दिया है, अब आपको ही उसको बंद करना होगा फिर से। तो क्या करूँ मैं, आप ही बताओ। शहर के बाहर काली माई रहती है, जाओ उससे बात करो, वो ही तुमको उपाय बताएगी। रमन अपनी पत्नी के साथ वार्ड बॉय द्वारा बताई हुई काली माई की झोपड़ी में पहुंच जाता है। वहां पर चारों तरफ कीले लगी हुई होती हैं और काली गुड़िया लटकी हुई होती हैं। रमन और योगिता ये सब देखकर सहम जाते हैं। आ गए तुम? आप मुझे जानती हो? हाँ अच्छे से, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे।
वो तहखाना? हाँ, वो अस्पताल वाला तहखाना ना। मुझे पता है तुमने खोल दिया। किसने बोला था तुमको? क्यों खोला? आराम से सो रही थी वो आत्माएं सब। आत्माएं? वो अंग्रेजों के वक्त से शापित था। वहां ना जाने कितने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने इलाज कराने के बजाय जलाकर मार दिया था। तब से बंद था वो। मगर अब क्या करूं मैं? कुछ तो उपाय बताओ। हाँ, मुझे खुद जाना होगा अब वहाँ। अब एक एक आत्मा को फिर से मुक्ति दिलानी होगी। वो जगह फिर से उनके लिए छोड़ देनी होगी। उस क्लिनिक के तहखाने पर सिर्फ उनका हक है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे समझाना भी नहीं चाहती। हमें उस तहखाने को वापस बंद करना होगा। कल चतुर्दशी की रात है और मुझे वहां ले चलना। ठीक है। पर हाँ, थोड़े समय के लिए सबको बाहर भी भेज देना। और अगली शाम काली माई तंत्र मंत्र के सब साधन लेकर क्लिनिक पहुंच जाती है और तहखाने से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अचानक सब कुर्सियां और दरवाजे भी उल्टे लटक जाते हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कुछ परछाइयां आकर काली माई और रमन को पकड़ने की कोशिश करती हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा। बस अब बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। तुम्हारी बाहर कोई जरूरत नहीं है। अंदर से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं, मगर काली माई मंत्रोच्चारण करती रहती है और ताले पर जोर से पानी के छींटे मारती है और फिर उसके चारों तरफ लाल धागा बांध देती है। और सुबह होते होते आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं। माई, ये सब क्या है? बस अब ये सब शांत हो गई हैं। कभी लौट कर नहीं आएंगी। काली माई और इस दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार ये काली माई होगी या नहीं, ये मैं खुद भी नहीं जानती। रमन घर लौट आता है और अब भी डरा हुआ होता है। अब तो सब ठीक हो गया है ना? अब क्यों घबरा रहे हो आप? सब ठीक तो हो गया है योगदा, मगर मैं उस क्लिनिक में अब कभी काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या डिसाइड किया है आपने? सोच रहा हूँ अब ये सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ, यहाँ से दूर चलते हैं, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेंगे और बार बार दूसरी जगह भी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद रमन अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़कर जा रहा होता है और दूर से तहखाने का दरवाजा जोर जोर से खुलने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर मुकेश कार में बैठकर सुपर फिनिक्स मॉल से गुजर रहे थे। उनका फोन बजता है। हाँ दीपिका बेटा। पापा, मेरे लिए एक बैग लेकर आना अभी। बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात में बैग कहाँ मिलेगा? अच्छा रुको, शायद मॉल खुला हुआ है। मॉल की लाइटें जल रही थी। मुकेश मॉल के बाहर कार खड़ी करके सुपर फिनिक्स मॉल के अंदर जाता है। मॉल की लाइट एकदम से चली जाती है। अरे, ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। दो सुंदर औरतें अपने हाथों से इशारा करके डॉक्टर मुकेश को एक कमरे के अंदर बुलाती हैं। मुकेश कमरे के अंदर जाता है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुकेश दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। दो भयानक चुड़ैले उसे टांगों से पकड़कर फिर अंदर ले जाती हैं। कमरा
फिर बंद हो जाता है। मुकेश चिल्ला रहा है, क्या है ये सुपर फिनिक्स मॉल का राज? आइए सुनते हैं कहानी मॉल की चुड़ैलें। शेखर अपनी पत्नी के साथ मथुरा जिले में रहता था। तुम डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने क्यों नहीं जाते? मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, जब मैं अपना चेकअप करा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं करा सकते? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम्हें बिना बच्चों के रहने में क्या परेशानी है? परेशानी है, मैं यहाँ किसके साथ टाइम पास करूँ? बच्चे होते तो उनके सहारे कम से कम जीवन तो कट जाता। मुकेश की बेटी दीपिका है तो उसी से कभी कभी मिलने चली जाया करो, जरूरी है कि खुद के ही बच्चे हो। तभी शेखर के पास मुकेश की पत्नी का फोन आता है। क्या? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? मुकेश हॉस्पिटल में। शेखर और उसकी पत्नी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मुकेश हॉस्पिटल के बेड पर बुरी हालत में लेटा हुआ है, बराबर में उसकी पत्नी और बेटी खड़े हुए हैं। तुम सब बाहर जाओ, मुझे शेखर से अकेले में कुछ बात करनी है। मुकेश की पत्नी, बेटी और शेखर की पत्नी बाहर चले जाते हैं। मेरी ये हालत उन दोनों औरतों की आत्माओं ने की है। कौन औरतें? तभी दो नर्सें वहां आती हैं। दोनों की शक्ल भयानक है। रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। नर्सें मुकेश और शेखर के गले घोटने लगती हैं। बचाओ! अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। मुकेश और शेखर छटपटा रहे थे। डॉक्टर! एक डॉक्टर और नर्स आते हैं। दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगाओ। हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों बाद मुकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। मुकेश पत्नी और बेटी के कंधों के सहारे कमरे के अंदर जा रहा है। सविता, दीपिका, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। सविता और दीपिका पूरे दिन मुकेश के पास बैठे रहते हैं। रात में उन दोनों को झपकी आ जाती है। मुकेश उठकर टॉयलेट में जाता है। मुकेश खड़े होकर टॉयलेट कर रहा है, पीछे बाथटब रखा है। बाथटब में से एक भयानक पंजा निकलता है और मुकेश की टांग खींचने लगता है। मुकेश की बेटी को बाथरूम से मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी उठो, पापा बाथरूम में चिल्ला रहे हैं। दोनों बाथरूम में जाकर देखते हैं। मुकेश की लाश बाथटब में तैर रही थी। शेखर के घर फोन आता है। क्या मुकेश नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है? उस दिन हॉस्पिटल में मुकेश ने तुमसे क्या बात की थी? तुम्हें क्या करना है? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, जानना है मुझे। 8 साल पहले की बात है। उस समय सुपर फिनिक्स मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत से मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। एक रात मैं और मुकेश कार से मॉल के सामने से गुजर रहे थे। दो मजदूर औरतें हमारे पास मदद मांगने आईं। हमारे पति बहुत बीमार हैं, भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। मुकेश और मैं नशे में थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। हम दोनों मॉल के अंदर गए। मुकेश ने उसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर हमने कमरा बंद करके औरतों के मुंह पर टेप चिपका दिए और उनके साथ गलत काम किया। बाद में मुकेश और मैंने उन औरतों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। उन्हीं की आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। शेखर की पत्नी शेखर को छोड़कर चली जाती है। शेखर डर के मारे एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं है। एक रात मंदिर पूरी तरह खाली हो गया, पुजारी भी बाहर नहीं था। आत्माएं वहाँ पर आती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आत्माएं शेरा वाली माता की मूर्ति से त्रिशूल निकाल लेती हैं और उसी से शेखर को मार देती हैं।